जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बीएसएफ के एक जवान की हत्या कर दी। कश्मीर घाटी के बांदीपोरा में आतंकियों ने जवान रमीज अहमद पैरे को गोली मार दी। घटना बांदीपोरा के हाजिन इलाके में हुई। रमीज अहमद बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पर बारामूला में तैनात थे। इन दिनों रमीज छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। जवान की हत्या के बाद इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। बताया जा रहा है कि लश्कर के कुछ आतंकवादी रमीज के घर पहुंचे और उन्हें बाहर आने को कहा। जब रमीज के परिजनों ने विरोध किया तो उन्हें बाहर नहीं आने दिया तो आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें रमीज अहमद की मौत हो गई जबकि उनके परिवार के 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक रमीज 26 अगस्त 2017 से लगातार 37 दिनों की छुट्टी पर थे। इस हमले में शहीद बीएसएफ जवान रमीज अहमद के परिजन भी जख्मी हुए हैं। आतंकियों की फायरिंग में उनके परिवार के 3 लोगों को चोटें आई हैं। 3 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस हमले के पीछे 3 से 4 आतंकी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में LOC पर मंगलवार दोपहर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के हमले को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। For good health, please subscribe A1 Healthcare. For better music, subscribe A1 Music. For best informational programs, please subscribe A1 Punjabi TV. And for all updated news, please subscribe A1 News.